अमेठी सांसद यशवंत रानी एवं केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के दो दिवसीय दौरे के दौरान कलेक्टर गौरीगंज में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई, जिसमें कोविड-19 के बारे में विस्तार से चर्चा की गई और कई योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। वहीं अपनी व्यथा से पीड़ित सिपाही दीपक तिवारी पुत्र लक्ष्मीकांत तिवारी निवासी पूरे हरी बकस तिवारी का पूर्वा मजरे कोहरा मोहम्मदपुर जो कि ड्यूटी तैनात छत्तीसगढ़ में था, न्याय पाने के लिए स्मित रानी से अपनी पूरी व्यथा बताई और कहा कि 27 मई 2021 को आईपीसी धारा 341, 504 और 506 में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है, जबकि मैं ड्यूटी में छत्तीसगढ़ में तैनात था। मामला आरक्षित जमीन को खाली करवाए जाने व जमीन विवाद से संबंधित था। क्या कुछ कहा पीड़ित दीपक तिवारी ने, आप ही सुनिए। हरिबकस मोहम्मदपुर अमेठी का निवासी हूं और मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि मेरे गांव पूरे हरिबकस मोहम्मदपुर जो अमेठी का सबसे दक्षिणवर्ती गांव है, यहां पर 649 और 50 तालाब और खलिहान थे, 5 बीघे के और 1 बीघे खलिहान। इन पूरे खलिहान पर विजय चंद्र पांडे आदि लोगों का, पूरे पांडे और दुबे परिवार का कब्जा था और इस कब्जा को हटाने के लिए मैंने वर्ष 2016 से लगातार प्रधानमंत्री सीएम उत्तर प्रदेश और कलेक्टर अमेठी तहसीलदार अमेठी को पत्राचार किया और इसी दौरान नीरज सिंह हमारे मोहम्मदपुर के प्रधान हुए, उनकी प्रधानी में हमारे यहाँ का तालाब खुद गया और ये रोड बन गया। और जब तालाब और रोड बना तो ये उसी तालाब और खलिहान की जमीन में बना जो विजय चंद्र पांडे के कब्जे में था। और उसके बाद 24 मई 2020 को विजय चंद्र पांडे के साथ हमारे गांव के छोटे बच्चों के साथ मारपीट होती है और उसके बाद उसी मारपीट का दोनों साइड से मुकदमा हो जाता है क्रास केस 24 और 25 मई को। उसके बाद 29 अगस्त को 156(3) में यह कहते हुए एक आवेदन पत्र देते हैं कि इनकी बेटी वंदना का बलात्कार हुआ पूरे हरिबकस के लोगों के द्वारा और जो बलात्कार इन्होंने दिखाया, जिस सर्टिफिकेट के हिसाब पर इन्होंने टीसी प्रमाण पत्र बनवाया, वो प्रमाण पत्र उस विद्यालय से फर्जी पाया गया और उस फर्जी पाए जाने के आधार पर ये हमने हाईकोर्ट से स्टे ग्रांट किया और उसमें लोग 9-9 महीने जेल में रहे, अमहार जेल में बंद कर दिए गए, निर्दोष होते हुए भी उनके ऊपर 505G लगा दिया गया। इसके बाद हम इस पूरे मामले को लेकर सभी अधिकारी और कर्मचारियों से मिलते रहे। इसी दौरान कल माननीय महोदया श्रीमती स्मृति ईरानी जी हमारी अमेठी में आई और जिला हॉस्पिटल में हमने उनको अपना पूरा आवेदन पत्र दिया और उस आवेदन पत्र में दिया तो जमीनी विवाद में जो फर्जी मुकदमे और इसी महीने हमारे गांव के ऊपर 5 मुकदमे 307, 541, 506, 504 आदि के मुकदमे दर्ज कराए दिए गए। और इन मुकदमों के बाद जब हमने माननीय मंत्री महोदय अमेठी से कहा कि हमारे गांव के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, आप इसकी CBCID जांच करा दें, आप इस पे लाइव डिटेक्टिव टेस्ट करा दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। माननीय मंत्री महोदया ने सीधे शब्दों में कहा कि मैं बलात्कारियों का साथ देना नहीं चाहती हूं। मैंने उनसे निवेदन किया कि आप बलात्कारियों के साथ मत दीजिए, आप CBCID जांच का आदेश करवा दीजिए, क्या सही है क्या गलत है वो हाजिर हो जाएगा। और इसी महीने मैं छत्तीसगढ़ पुलिस की सेवा में हूँ और वहाँ पे ड्यूटी में था 27 मई को, उस दौरान भी विजय चंद्र पांडे ने हमारे ऊपर मुकदमा करा दिया, उस समय मैं ड्यूटी में था, अपनी पुलिस की जीजी इंट्री उसमें हमने अपनी अटैच की है। और आप सभी से निवेदन है कि इस पूरे मामले में पूरे हरिबकस के जो 11 से 14 लोग निर्दोष लगातार मुकदमे में गुंडा एक्ट तक में फंसाए जा रहे हैं, इनको बचाएं, इस पूरे मामले का CBCID जांच हो, लाइव डिटेक्टिंग टेस्ट हो और इस पूरे प्रशासन की मिलीभगत से जो कार्यवाही हो रही है इनको बर्खास्त किया जाए। जय हिंद, जय भारत।